सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 10 महीने से जारी आंदोलन का समाधान तो अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आंदोलन के चलते बंद हाईवे और सड़कों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी सख्ती दिखाई है। दरअसल किसान संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके जंतर मंतर पे प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि आप दिल्ली शहर का दम घोट रहे हैं। तो बड़ी बहस में सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं कि आंदोलन को लेकर के आखिर कोर्ट ने आज क्या टिप्पणी में कहा है। तो आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की है। आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन की इजाजत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फटकार आज किसान संगठनों को लगाई गई है। तो किसान संगठन को सुप्रीम कोर्ट की यह आज फटकार लगी जब एक याचिका जिस पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि आपने पूरे शहर का दम घोट दिया है और अब शहर का दम घोटने के बाद आप अंदर आना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बेहद तल्ख टिप्पणी की है। आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, यानी कि किसान संगठन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और उसके बाद टिप्पणी तल्ख सुप्रीम कोर्ट की सामने आई। लोगों को आप परेशानी में नहीं डाल सकते हैं, हाईवे को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इन बात को कहा। कानून को अदालतों में चुनौती के बाद कोर्ट पर विश्वास करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अधिकारी कोर्ट के द्वारा तय व्यवस्था को लागू करवाएं, निर्देश अधिकारियों के लिए भी हैं। तो समाधान ज्यूडिशियल फोरम या फिर संसदीय चर्चा से इसका निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आगे की टिप्पणी में इसको भी जोड़ा। तो किसान महापंचायत संगठन ने याचिका दायर की थी जिसमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी जा रही थी। जंतर मंतर पर 200 किसानों के प्रदर्शन की अनुमति सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांगी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तल्ख टिप्पणी की है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। कोर्ट और सरकार की बात चल रही है कुछ, तो सरकार को जवाब सरकार को देना। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गांवों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। कोर्ट और सरकार की बात चल रही है कुछ, तो सरकार को जवाब सरकार को देना। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी की गई है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन की इजाजत मांगने पर फटकार दी गई और उसके बाद आपने ये भी सुना कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको हम देखेंगे, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या अब इसके बाद जो आंदोलन है उसमें कोई रास्ता बनता हुआ नजर आएगा। तो हरियाणा में धान की खरीद अब 11 अक्टूबर से शुरू होगी। दरअसल आज से फसल खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से रातोंरात भेजे गए आदेश के बाद खरीद की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और इसको लेकर के किसानों में नाराजगी भी देखने को मिली है। अब किसान संगठनों ने जल्दी धान खरीद नहीं होने पर सांसद और विधायकों के आवास के घेराव की चेतावनी तक दे डाली है। अलग अलग 8 शहरों की तस्वीर देखें, कहीं किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया तो कहीं जमकर नारेबाजी हुई। बता दें कि सरकार की ओर से 25 सितंबर की तारीख तय की गई, उसके बाद 1 अक्टूबर का लेटर जारी किया गया और अब केंद्र के आदेश पर 11 अक्टूबर को सरकारी खरीद की तारीख रखी गई। धान खरीद में देरी से किसानों में रोष है, आढ़ती भी किसानों के समर्थन में अब नजर आ रहे हैं। तो 8 तस्वीरें हैं, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पानीपत, घरौंडा, गोहला चीका और कैथल की, जहां पर धान खरीद को लेकर के भी किसानों ने विरोध किया, मंडियों पर ताले लगा दिए गए और इसके अलावा अब विधायकों और सांसदों के आवास के घेराव की चेतावनी भी किसानों की तरफ से दी गई है। दरअसल 25 सितंबर से पहले धान खरीदी की बात थी, फिर ये बढ़कर 1 अक्टूबर हुई और उसके बाद अब केंद्र के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर अब इसकी नई तारीख है जब धान की खरीदी होगी। लेकिन ऐसे में जो धान की आवक अभी मंडियों में हो रही है या जो पहुँच गए हैं किसान, अब वो इस पर विरोध और ऐतराज़ जता रहे हैं और उसी विरोध और ऐतराज़ की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पानीपत, घरौंडा, गोहला चीका और कैथल, इन सभी जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। धान की खरीद अगर जल्द शुरू नहीं की गई तो फिर विधायकों और सांसदों के आवास का घेराव भी किसानों के द्वारा किया जाएगा, ये चेतावनी भी किसानों ने दी है।
तो धान खरीदी में जो देरी हो रही है उससे किसानों ने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। सांसद और विधायकों के आवास के घेराव की चेतावनी दी है और कई जिलों में किसानों ने इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया है। अगर ये निर्णय लागू हो गया किसान तो जमी खत्म हो जाएगा। 11 तारीख की बात कर रहे हैं, 11 तारीख तक तो 70% जीरी कट जाएगी। एमएसपी की बात कर रहे हैं, जोन सी टाइम जीरी बिक रही 1600-1700 आधे डेबो में बिक रही ना। एमएसपी है ने बड़े बड़े रुके मारा, एमएसपी थी एमएसपी रहेगी। मंडियों में अगर देख लो कहाँ एमएसपी है। सरकार ने एक वरायटी देर की प्यार 126 तीन महीने की वरायटी है सरकार ने लागू कर रखी। सरकार ने कहा था 15 जून फलाई हो, किसानों ने 15 जून फलाई, 15 सितंबर में पूरे 3 महीने में कटका तैयार हो जा। उसकी बोली 15 सितंबर पानी चाहिए और 15 सितंबर बनी आई, फिर कम से कम 25 पे दे दो, 25 बनी आई, एक पग हाथ ने देने ने 11 पर देने लग रहे। अगर 11 तक बोली चली गई कुछ तो किसान ना मौसम ना मार दिया, बरसात तो ही फसल लेटी पड़ी। और जो 11 तारीख पर बोली रहेगी तो किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पर खाएंगे क्या, हम लोग को राशन मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए, एक महीना के झटके की खादी हम लोग हर अपनी खरीद से भागना चाहती है। जैसे बिहार में महाराष्ट्र में कहीं भी आज तक खरीद नहीं है, अपनी खरीद से सरकार भागना चाहती है कि किसान अपने घर पे स्टोर करे, उसके बाद व्यापारी हमको बुलाए, मंडी में बुलाए या कहीं भी बुलाए, हम उनसे कम रेट में लेकर उनसे सीधा सूखी जीरी लें, कम रेट में लेकर उनके मंदा रेट लगाएं। ये पॉलिसी है सरकार की। हम किस तो ये जो बीच के 10-11 दिन आए हम कहाँ लेके जाएंगे इस जीरी को? ये किसान जो डेली आ रहा है, जो हमारी जो एक वैरायटी है जो जल्दी आती है 90 दिन में तैयार हो जाती है, सरकार ही उस बीज को परमिशन देती है लगाने की। अब वो 90 दिन में आ गई है, वो लगभग 75% वो फसल आ चुकी है मंडियों में, 25% वो तैयार खड़ी है। अब वो कहाँ लेके जाएगा किसान? तो धान खरीद में देरी को लेकर के इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। अब ये सवाल भी आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। सवाल अभय चौटाला ने ये पूछा है और ये कहा है कि 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू होनी चाहिए थी, तारीख बढ़ा करके इस घोटाले को क्या अंजाम दिया जा रहा है? अभय चौटाला का यह सवाल है, धान की खरीद में जो देरी हो रही है, फसल एमएसपी पर खरीदने की मंशा नहीं है, यह सवाल भी अभय चौटाला की तरफ से उठाया गया। धान खरीदी जो देरी से हो रही है, किसान अपनी एमएसपी को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है और फसल खरीद में देरी हो रही है और इसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं अभय चौटाला की तरफ से। सरकार तुरंत धान की खरीद को शुरू करे, अभय चौटाला की तरफ से यह मांग भी की गई है। चलिए आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि कोर्ट की फटकार जो अब लगी है, क्या जो कृषि आंदोलन को लेकर तकरार है वो समाप्त हो सकती है? रास्ते खुलने पर सरकार और किसानों में क्या बातचीत बनेगी? और धान खरीद के लिए अब आखिर ये जो 3 तारीख यानी कि जो 11 तारीख निर्धारित की गई है, इसके पीछे की भी वजह क्या है? क्योंकि दोनों ही मामले सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, चर्चा में फिर आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका स्वागत। राजेश दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी स्वागत। और रजनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रधान हैं आढ़ती एसोसिएशन करनाल अनाज मंडी के। रजनीश चौधरी जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आज का जो विषय है वो दोनों ही आपसे सीधे तौर पे कनेक्टेड है। एक तरफ तो धान की जो खरीदी है उसमें अब एक नई तारीख आ गई, 3 तारीख हम ये इसको कह सकते हैं कि 11 तारीख से खरीद होगी, उसको लेकर के हम लोगों ने देखा आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तल्ख टिप्पणी की है कृषि आंदोलन को लेकर के, इन दोनों पर ही मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ राजेश दहिया जी। हाय जी, पहले तो हम धान की खरीद की बात करते हैं। पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मक्का बोलो, मक्का खरीदी जाएगी, उसमें बेनिफिट मिलेगा, तो सरकार ने हमारी मक्का नहीं खरीदी। अब जो धान बोने के लिए डेट दी थी 15 जून, उसके बाद धान बोया गया, तो 15 सितंबर को जो डेट आनी थी उसके बाद 25 सितंबर को मंडी में डेट दी थी और किसान खुश था कि सीधा जैसे हमारा धान आएगा तो मंडी में बेचने चले जाएंगे। अब वो 15 बाद इंतजार की, 25 के बाद 1 तारीख का दिया, अभी 1 तारीख से शुरू करेंगे। अब कल ये मैसेज कर दिया कि 11 तारीख से शुरू करेंगे। अब हमारे साथ समस्या ये है जी कि जब हमारी फसल पकती है तो उसको हमें तुरंत उसी को मंडी में भेजना पड़ता है या उसको अपने घर में स्टोर करना पड़ता है। अगर हम उसको घर में स्टोर करेंगे या गोदाम में स्टोर करेंगे तो हमारा शॉर्टेज बढ़ जाती है, हमें उसको अपनी ट्रॉली में घर लाना पड़ेगा, उससे हमारी फसल की खराबी होती है, कुछ गिर जाती है, कुछ खराब हो जाती है, फिर वो मंडी में जाती है तो डबल हमारी शॉर्टेज पड़ती है। तो इसलिए आयोजित परेशानी ये है कि सरकार जो है उसकी नीतियों की कोई भरोसा नहीं रहा कि अब ये भी नहीं पता कि 11 से शुरू करेंगे। अब हमारी जो
25 तारीख से लेके 11 तक के बीच में जो 16 दिन गैप होगा, इसमें हमारी जो फसल है वो उसमें उसका वेटेज भी हो जाएगा कि जो कम से कम एक क्विंटल में हमारी 500 कम से कम हमारे धान जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो उससे हमें लॉस भी होगा। उसके बाद ये सिस्टम नहीं पता है कि आगे खरीदारी होगी या नहीं होगी, तो सरकार जो है, सरकारी जो नीतियां वो टोटली फेलियर हैं। और फसल के ऊपर तो मैं ये कहना चाहूंगा आप चैनल से कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो जो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं उनकी राय जरूर ले लें, वो खाली इन आईएएस आईपीएस के भरोसे बैठे रहते हैं जिससे सरकार नहीं चलने वाली, वो नीतियां बनाते हैं सरकार को मदद करते हैं, लेकिन इस टाइप की जो नीति होती है जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री आती है या फिशरीज आती है या एग्रीकल्चर आता है, उसमें जो उनके एक्सपर्ट होते हैं उनकी राय लेनी जरूरी होती है, और उनको ये जो अधिकारी होते हैं आईएएस वाले उनको डिग्रेड समझते हैं और उनकी वेटेज वो कम कर सकते हैं, इस कारण ये हमारा जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। और जो आपने देखा होगा कि आज किसान इतने रोष में है कि अगर हमारी आज खरीदारी नहीं हुई तब कल से हम जो अपनी ट्रॉलियां हैं वो एमपी एमएलए मंत्रियों घर पे जाकर खड़ी कर देंगे कि वो जहां चाहो बिकवाओ, ये आखिरी सोल्यूशन होता है, इसके अलावा किसान कुछ नहीं कर सकता। ये जो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका आपको जवाब मिल गया जी। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हमें उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसको जैसे हमने देखा कि वो तीन जो जज थे हमारे सीनियर वो बाहर आके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंदर से जो गला है वो घुटा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया कि हमारी दिल्ली को घेर रखा है और हमारा दिल्ली का गला घुटा हुआ है। जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का ही गला घुटा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगी? हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी और उन्होंने हमें कहा कि 1.5 साल सस्पेंड कर दिए हैं, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में आज तक वो रिपोर्ट को ओपन नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो गला पहले ही घुटा हुआ है, अगर राजधानी का गला बाद में घुटेगा तो सुप्रीम कोर्ट को पहले सोचना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसके वो संज्ञान लें और उसके सुधार रूप से चलाएं। मैं उनको भी तीन जजों कहता हूँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था या उनको राज्यसभा से एमपी छोड़ना पड़ना था, जो कोई तरह उनको घर बैठना था तो पहले घर बैठ जाते हैं। एक मैसेज जाता कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों ने रिजाइन कर दिया इस प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन हमारे देश के नेताओं में जजों में सभी में यही कहा गया कि वो कुर्सी चिपके रहते हैं कि उनकी कुर्सी ना चली जाए बाकी देश जाए भाड़ में। तो आयुष जी आज जो हमारा जो समझौता है कि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ी, वो परमिशन क्यों लेनी पड़ी? परमिशन देने की पावर है दिल्ली पुलिस को है या दिल्ली सरकार को है, लेकिन वो अपनी जो उनकी जुम्मारी है उससे बचते हैं और वो दूसरे पर थोप कोशिश करते हैं। तो यही जो हमारी सरकार की जो कमियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार फेल हो चुकी है, हमारा सारा सिस्टम खराब हो चुका है, हमारा देश खत्म के दौर में जा चुका है, उसकी जिम्मेवारी जो है हमारी जो बीजेपी सरकार आज की डेट में जो सेंटर में जो स्टेट में उसकी जाती है। ठीक है रजनीश चौधरी जी, रजनीश चौधरी जी अब मैं आपसे समझता हूँ किस तरीके से देखा जाए, खासतौर से अभी धान खरीद को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं आप क्या दिक्कत प्रैक्टिकली आ रही, क्योंकि सरकार कह रही है कि 11 तारीख से अब इसकी खरीद होगी, पहले 25 था फिर एक हुआ और उसके बाद अब ये 11, क्या समस्या है? सर जैसे सरकार ये डेट को आगे बढ़ा रही है तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि सरकार की नीयत ही नहीं है फसल लेने की, क्योंकि जिस हिसाब से कनक लगाई जाती है ये 15 जून को लगनी शुरू होती है और 90 दिन के हिसाब से ये 15 सितंबर या 20 सितंबर को इसको खरीद इसकी शुरू कर देनी चाहिए थी और हमारी डिमांड भी थी सरकार से, लेकिन ये पहले 25 सितंबर की गई, फिर 1 अक्टूबर की गई और अब 11 अक्टूबर की गई। मेरे को तो इसमें मंशा लग रहा है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये कोई धान चढ़ा नहीं है, जैसे चने को काट के आप घर पे रख लोगे तो उसको रखा जा सकता है, लेकिन जो धान में है धान में नमी होती है, कंबाइन से कटती है ये तो जो परमल धान होती है जो सरकार लेती है, इसको आप स्टॉक रख ही नहीं सकते, किसान इसको रोक ही नहीं सकेगा, वो खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी और उन्हें पौने दामों में बेचनी पड़ेगी किसान को, ये तो उसका नुकसान हो जाएगा इसमें। रंजीता जी जवाब दें, एक तो खरीदने की मंशा नहीं है ये सवाल राजेश दहिया जी ने भी उठाया, रजनीश जी भी यही कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की उस पर भी राजेश दहिया जी ने जवाब दिया, मैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहता हूं। रंजीता जी स्पष्ट करें। आयुष दोनों बातों का स्वागत है, बहुत ज्यादा इको हो रही है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी ये बात सुन रही है, राजेश दहिया जी की आवाज भी गूंज रही थी और अमन की आवाज भी गूंज रही थी, इसको प्लीज दुरुस्त करा दीजिए। ठीक है चलिए ठीक है रंजीता जी मैं इसको सही करवाता हूँ, पीसीआर ऑडियो थोड़ा इनका सही करें रंजीता जी का। अच्छा तक जितेंद्र जी मैं आपका रुख कर लेता हूँ, जितेंद्र जी कैसे देख रहे हैं अभी ये जो स्थितियां बन रही हैं, एक तरफ तो धान खरीद को लेकर के किसानों के सवाल हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूँ। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है और सभी देश के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, उनके आदेश की पालना करनी चाहिए, ये देश का संविधान कहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, मैं सुन रहा था बड़े गौर से, कि बड़ी अच्छी बात और सच्ची बात उन्होंने कही
कि जब देश में इस तरीके की अस्थिरता का माहौल मोदी जी की सरकार बनने के बाद जब देश में आया और प्रदेश में आया, तो देश के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, और कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम पे दबाव है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं किसान की बात पर आता हूँ। किसान को भी सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी चाहिए और सरकार को बातचीत से हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, आपने देखा खेती बचाओ किसान बचाओ यात्रा राहुल गांधी जी ने की, बड़ा इन्होंने विवाद किया लेकिन वो यात्रा सफल रही। तो हम पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि किसान की बात को सुना जाए। 700 से ज्यादा शहादत किसान यहाँ पर दे चुका है, लेकिन मन की बात करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री साहब, जन की और किसान की मन की बात नहीं करते। तो इस भयावह हालात पर मुझे एक पंक्ति याद आती है शायद की, कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक है आप बाजार के, इस समय मालिक है आप बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, मन की बात बहुत कहते हैं लेकिन जन के मन की, किसान के मन की बात, आवाम के मन की बात नहीं करते मोदी जी। तो बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इनके घोषणा पत्र में था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट हम देंगे, C2+50 के तर्ज पर हम किसान को मुआवजा देंगे, और जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी जी तो वो चीख चीख कर कहते थे, नरेंद्र मोदी जी जब सरकार नहीं थी भाजपा की मोदी जी की, तब चीख चीख कर कहते थे कि किसान का दम घुट रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। NCERB के आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार में किसान से लेकर बेरोजगार युवा कर्मचारी कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के जब चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी जी तब तो कहते थे MSP किसान को दी जाए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए, लेकिन सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने सबसे पहले इनकी सरकार और मोदी जी हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, इनके सॉलिसिटर जनरल दायर करते हैं कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे जो झूठ बोलकर किसान से, देश की आवाम से सत्ता में आए। आज भगवान भी इनको देख रहा है कि देश का अन्नदाता 700 से ज्यादा शहादत दे चुका है, और बारिश की मार, आज भी बारिश हुई है NCR के अंदर, हरियाणा के अंदर, देश के अंदर। तो बारिश के अंदर जो झीरी खराब हो रही है, जो धान की फसल खराब हो रही है, दोहरी मार प्रकृति परमात्मा के साथ, दोहरी मार सरकार की भी मार पड़ रही है, तो दोहरी मार किसान पर पड़ रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी एक अनेय विनय मनोहरलाल खट्टर जी की संवेदनशील सरकार से करना चाहेगी, दुष्यंत जी डबलिंजन की सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कि किसान के साथ आप ऐसा ना करें, देश का अन्नदाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि 1 तारीख की पहले 25 सितंबर की इन्होंने डेट दी कि हम जीरी खरीदेंगे, फिर 1 अक्टूबर के लिए, आज के लिए इन्होंने बोला, लेकिन नहीं जीरी खरीदी गई, अब इन्होंने और समय बढ़ा दिया, लेकिन तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किसान की फसल का नुकसान हो चुका है, आधे से ज्यादा किसान की फसल नष्ट हो चुकी है, और यही इनका मकसद था कि किसान को हर तरफ से, चारों तरफ से मारा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और मानवता को निभाते हुए किसान के साथ। ठीक है, चलिए चंदेलिया जी, मुझे लग रहा है रंजीता जी शायद मेरी ऑडियो पहुंच रही है, रंजीता जी जी, हम चाहते हैं तीनों कृषि काले कानून के साथ वो तो रद्द होने चाहिए, लेकिन किसान की फसल का उचित मुआवजा मिले, समय पर किसान की फसल खरीदी जाए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अमनदीप केसरी जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, रंजीता जी फिर मैं फाइनल आपके पास आता हूं, फिर आप सबकी बातों का जवाब दीजिएगा। अमनदीप केसरी जी, पीयूष जी, देखिए ये सरकार के सुनियोजित तरीके से किसानों को परेशान करने की एक साजिश है, कि किस तरह से किसान को परेशान किया जाए, किस तरह से उसकी फसल को ना खरीदा जाए, ना केवल तारीख धान खरीदने की आगे बढ़ाई जा रही है, उसके मापदंडों के अंदर भी बहुत ज्यादा जो कठिनाई पैदा कर दी है, ताकि किसान अपनी धान, अपनी फसल कम से कम बेच सके, जैसे कि प्रति एकड़ पर लिमिट लगा दी गई है, 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकता, अगर किसी के भगवान की कृपा से उपज ज्यादा हो गई है, लेकिन सरकार कह रही है कि मैं नहीं खरीदूंगी उसको, हम नहीं खरीदेंगे। उसके बाद जैसा कि सरकार की मंशा है, तो मॉइस्चर 17 कर दिया गया है, कलराइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है, अभी मेरे से पहले आपने एक नॉर्मल किसानों की बाइट भी सुनाई, अभी हमारे आड़ती के प्रतिनिधि, आड़ती भाई भी हैं, किसान नेता भी, उनकी भी सुनाई, कि किस तरह से धान की जो फसल होती है ये पेरिशेबल फसल के अंदर आती है जो जल्दी खराब होगी,
और सरकार की मंशा है खुद की कि भाई ये खराब हो। जो लोग बार बार कह रहे कि एमएसपी नहीं जाएगी, पहले किसानों को बोला कि बाजरा खरीदेंगे एमएसपी पे, धान के लिए बोला, आज वो क्या फैसले ले रहे हैं आपके सामने है। ये सरकार की सुनियोजित तरीके से, मैं कहूंगा सुनियोजित तरीके से किसान को खत्म करने की साजिश है। और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कुछ चंद किसान है जो समझ नहीं रहे हैं, ये किसानों को बरकलाया जाता है, आपकी बाइक से बिल्कुल दूध का दूध पानी का पुनर। आज एक आम किसान की आपने बाइकें ली हो कि किस तरह से बहुत तरीके से आपको समझाते हैं क्या दिक्कत परेशानी है और सरकार की क्या मंशा है। सरकार का दोहरा जो चेहरा है वो भी बेनकाब हुआ है और लोगों ने ये ठान लिया है। लोग इनको एलनाबाद के उपचुनाव के अंदर बताएंगे कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये जनसलाब है आपके खिलाफ। और उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा आयुष जी कि एलनाबाद का उपचुनाव भी जान बूझ करके उन तारीखों पे रखा गया जहां पर किसान सबसे ज्यादा व्यस्त होगा। अब एक महीने पहले अभी पश्चिम बंगाल में भवानीपुर का चुनाव है, जब तो सरकार कह रही थी कि भाई हमारे यहाँ कोरोना है, अब एकदम सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र एक आम नागरिक को, किसान को समझ आ चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और उसको बेनकाब करने के लिए किसान बिल्कुल तैयार है। और जो ये आप 15 सितंबर को खरीद होनी थी, फिर ये 25 को करते हैं, 1 को करते हैं, 11 को करते हैं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ये है, वो कौन कौन लोग बैठे हैं उस कुर्सी पे जिनको अपनी व्यवस्था का पता ही नहीं है, जिनको अपनी तैयारी का पता ही नहीं है, कौन से मंत्री हैं? वो सवाल आप लोगों के माध्यम से उनको है, आपने पूछना चाहिए था। फिर जिनको अपने मंत्रालय का ही नहीं पता कि हमारी धान खरीद के तैयारी पूरी है या नहीं पूरी है, वो क्यों बार बार बयान बदल रहे हैं? ठीक है, चलिए आप रंजीता जी से इसका जवाब लेते हैं। रंजीता जी जवाब दें सबकी बातों का। पहले चंदेलिया जी की बात से शुरू करूंगी कि जिनके घर खुद के शीशे के हों दूसरों पर पत्थर ना फेंके तो अच्छा है। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की बातें करते हैं जो 2006 से लेकर 2014 तक अपने पैर के नीचे स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखा, उसको लागू नहीं किया। और आज अगर वो लागू होने जा रही है तो उसके अंदर तमाम अड़चने अगर अटका सकते हैं तो वो अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेरो शायरी जनाब वो कीजिए जिसका अर्थ ये निकले कि किसानों का कुछ फायदा हो सके, ना कि अपना टाइम पास करने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए। और अभी अमनदीप जी कह रहे थे कि आने वाले इलाहाबाद चुनाव के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सा किसान नाराज है, कौन सा किसान नाराज नहीं है। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे आपके एरिया में बाजरे की जो खरीद है जिसके ऊपर सरकार ने इस पर ऐतिहासिक फैसला लिया है, बोनस देने की बात की है ताकि जो काला बाजरे को एमएसपी पे खरीदने के लिए बोला था, कहां एमएसपी है बाजरे की। अब आयुष लगातार सब लोगों को मैंने सुना, मैं ये गुजारिश करूंगी आपके चैनल के माध्यम से सुन ले, हां आप सुन ले भाई, रंजीता जी को मौका दें कम से कम बोलने का। ठीक है रंजीता जी, हां बाजरे के ऊपर जो जो सबसे ज्यादा बाजरा है इलाहाबाद सेट के एरिया में ही होता है और वहां पर ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें कालाबाजारी करती थी, पड़ोसी राज्य जो है वो आकर अपना बाजरा बेच जाते थे। हमने उस पर लगाम लगाने के लिए काम किया है ताकि चाहे आपका 1800 बिके, चाहे आपका 2000 बिके, फिर भी आपको 600 रुपया प्रति क्विंटल जो है सरकार आपके अकाउंट में डालने का काम करेगी। इससे आपको ना केवल फायदा होगा बल्कि जो कालाबाजारी पहले पड़ोसी राज्य आके बेच जाते थे और 700 करोड़ का नुकसान सरकार को होता था वो ना हो। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने अभी बात की है कि धान की खरीद को लेकर सरकार आराकानी कर रही है। पहले दो फसलें आप देख चुके हैं, खरीफ की फसल भी आपने देखी, आपने धान की फसल भी देखी, दोनों में बंपर उत्पादन हुआ और हमने बंपर खरीद की, एक एक दाना हमने सरकार ने खरीदा। और जो अभी ये डेट आई है, मात्र चिट्ठी आई है जिसके ऊपर इतना बवाल मचाया जा रहा है, मंडियों पे ताले लगाए जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर उतर कर उफान मचाया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज एक चिट्ठी आने से क्या वो चिट्ठी हमने मान ली? तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गुहार लगाई है केंद्रीय मंत्री से कि इस तिथि को प्रीपोन किया जाए क्योंकि इससे किसानों का नुकसान होगा और हम सरकार जो है 1% किसानों का नुकसान नहीं चाहती है। आप अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ। अभी ये बात कर रहे थे कि जो मोटा धान है उसका जो हमारा यहाँ पे पैदावार है 15-20% किसान है जो इसको बोते हैं। मैक्सिमम किसान जो हमारे यहाँ पे है 1100-1521 जो है बासमती उगाता है, उसकी ऑलरेडी बंपर उत्पादन के बाद बंपर फसल का जो रेट है उनको मार्केट के अंदर 3,000 से लेकर 3,500 रुपए मिल रहा है और पिछले 1.5 महीने से ऑलरेडी उसकी बिक्री हो रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ सरकार ने किस बात की कमी रखी है? पिछले 1.5-2 महीने से लगातार हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हो लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि बारदाने की कमी ना हो, कोई कहीं टीन डलना है तो उसकी व्यवस्था हो, कहीं सफाई होनी है उसकी व्यवस्था हो, अटल जो कैंटीन योजना है उसके तहत लोगों को अगर खाना
जो दोपहर का खाना उनको मिलना चाहिए वहां पे वो मिले, चाहे वहां पे शौचालय की बात हो, एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है और इनकी फसल खराब ना हो इसी की वजह से थोड़ा डिले करने की बात आई थी जो 25 से लेकर 1 अक्टूबर तक डेट बढ़ाई गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नमी मॉइस्चर था, क्योंकि इस बार जो बेमौसमी बारिश हो रही है उसकी वजह से अगर आप बंद बोरियों में इस धान को डाल देंगे तो वो सारा काला धुआं हो जाएगा, वो धान सारी खराब हो जाएगी, आपकी फसल खराब ना हो इसी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगी हुई है। पर मैं इस बात से हैरान हूँ कि देखिए किस तरीके का षड्यंत्र जो है विपक्ष के द्वारा किया जाता है, आज उनके मुंह से ये बातें की जाती है जो कभी एमएसपी के नाम पर एमएसपी देते ही नहीं थे। आप कांग्रेस की बात करिए राजस्थान के अंदर, आज पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर कौन सी एमएसपी पे ये चीजें ले रहे हैं और कौन सी इनकी गारंटी है, सब लोग जो है हरियाणा में आकर जो है अपनी चीजें बेचते हैं। ये कैपिंग की जो बात करते हैं कि 25 लाख 25 में हमने कैपिंग की है कि हम इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, वो कैपिंग भी जनाब इसीलिए लगाई गई है कि पड़ोसी राज्य अपना आके धान यहाँ पर ना बेचे, जिस तरीके से शुगर मिलों के साथ हम करते हैं, पहले हम पूरी जो शुगर मिल है उसके ऊपर कैपिंग करके उसको खरीदते हैं और बाद में एक सर्वे करवाया जाता है कि किस किस किसान के पास कितना कितना गन्ना बकाया है, बकायदा सरकार 2 दिन की बढ़ोतरी कर उन सबको गन्ना अपने यहाँ पे डालने की गुजारिश करती है। इसी तरीके से जो 25 लाख मैट्रिक टन की कैपिंग की है उसको भी हम बाद में सर्वे करवाएंगे किस किस के पास कितना बचा है और उसको भी सरकार। रंजीता जी एक चीज स्पष्ट करिए, क्या अभी ये जो 11 तारीख वाला जो अभी मामला आ रहा है, क्या ये अभी एक फौरी तौर पर सिर्फ एक चिट्ठी की वजह से है या फिर 11 से ही आप खरीद करेंगे, या ये हो सकता है कि एक दो दिन में शुरू हो जाए या कल से ही खरीद शुरू करेंगे, थोड़ा इसको स्पष्ट करें आप। ये सिर्फ वहां से एक चिट्ठी आई है, उसकी तुरंत बाद ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री से बात की है, पीयूष गोयल जी से भी बात की है कि आप इसको 11 तारीख मत डेट को फाइनल कीजिए क्योंकि इससे हमारे यहाँ का किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि तकरीबन 75% जो फसल है वो तैयार हो चुकी है, निश्चित तौर पर प्रीपोन होगा, हम खुद करवाएंगे इसको प्रीपोन, बिकॉज हम नहीं चाहते कि किसी भी किसान का 1% का भी नुकसान हो। पर आप कॉपरेट करने की बजाय आप जिस तरीके से उग्र रूप धारण करते हैं, जिस तरीके से आप मंडियों पे ताले लगाने के लिए पहुंचते हैं, आप घेराव करने की बात करते हैं, आप हाथापाई कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ, आप बॉर्डर के ऊपर भी यही हाथापाई कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की राजनीति है मैं पूछना चाहती हूँ। आज जितना भी किसान हरियाणा का है उनका एक एक दाना आपने पिछली 2 फसलों में देख लिया, एक एक दाना आपका खरीदा गया, तो आप किस आशंका को लेकर इस तरीके के रिएक्शन करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष द्वारा भड़काए जाते हैं। और जो आज बड़ी बातें कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल वाले, सबको पता है कि इनके समय में क्या क्या होता था, किस तरीके से होता था, किस तरीके से किसानों को एक लाइन में खड़े करके गोलियां मारी जाती थी। आज हरियाणा की सरकार किसानों के साथ है, किसान की भलाई के लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए वो हम उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे एक एक दाना खरीदेंगे हम, और धान के लिए जो नमी भी सेट की गई है उस नमी को भी सेट करने का कारण यही है कि एक भी दाना खराब ना हो। पहले की पूर्ववर्ती सरकारों के गोदामों के गोदाम सड़ जाते थे, सड़कों पर फेंकना पड़ता था, हम एक भी दाना खराब नहीं होने देंगे। चलिए रजनीश जी, क्योंकि अभी एक पत्र है ऐसा रंजीता जी कह रही हैं और इसको अभी हम लोग करने वाले कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि 11 तारीख कोई डेडलाइन ही होगी कि हम 11 से ही खरीदेंगे, क्यों फिर इस तरीके से आपको लग रहा है कि एमएसपी पे सरकार नहीं खरीदेगी? अगर ये पत्र है तो किसी राजनेता का, इनके किसी सीएम साहब का या किसी मिनिस्टर साहब का या किसी जो अधिकारी है ऊंचे लेवल के उनका किसी का बयान आया कल से कि हम इसको जल्दी खरीदेंगे, और अगर जल्दी का मतलब यह है कि अगर जल्दी का मतलब यह है कि 3-4 दिन के बाद भी खरीदेंगे तो 3-4 दिन में भी बहुत भारी नुकसान हो जाएगा किसानों का, क्योंकि पहले एक हफ्ते पहले से भी फसलें पड़ी हुई है मंडियों में, वो भी नहीं बिकी अब तक। दहिया जी, पिछली 2 फसलें तो बता रहे हैं, कम से कम पिछला 2 सीजन अगर आप देखें तो सरकार ने तो खरीदा ही है, इस बार क्यों इतनी शक्को शुबा है कि नहीं खरीदेगी सरकार? इनकार तो सरकार नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं कि पिछला जो सीजन था उसमें भी सरकार जो थी वो हमारे एमएसपी पर नहीं खरीद करवाई थी। आज की पोजीशन ये है कि जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि हमारा 1 एकड़ में 20 क्विंटल हो जाता है, 40-25 जो है उसकी जो लिमिट लगाई सरकार ने वो भी गलत लगाई है कि किसान क्या खेत में कांटा ले बैठा है कि मेरा 25 क्विंटल ही होगा तो मैं ले जाऊंगा, अगर ट्रैवलिंग में 30 क्विंटल आ गया तो 5 क्विंटल क्या वो घर वापिस लेके आएगा। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे अब आज की डेट में जो मंडी में धान बिक रहा है 1200-1300 बिक रहा है, 1950 का रेट है, तो कहां एमएसपी खरीद हो रही है? मैंने आपसे यही कहा था आपके चैनल से, मैडम को भी ये समझा था कि जो सरकार की नीतियां हैं वे फेल हो चुकी हैं और सरकार उनको कर नहीं पा रही है। अब इन्होंने एक लेटर का जिक्र किया कि वो लेटर आ गया तो मुख्यमंत्री ने रोक दिया,
तो ये मुख्यमंत्री का जो जो एडवाइजर कमेटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, ऊपर से लेटर आ गया रोक दिया। दूसरी बात ये है आयुष जी कि अब ये कहते हैं कि हो सके हम दो दिन में शुरू कर दें, तो फिर किसान के पास क्या मैसेज जाएगा कि आप अपने ट्रालू लेके आ जाओ। ये जो सिस्टम है जिसमें अफरा तफरी का माहौल हो रहा है उसके कारण ही जो हमारे देश में जो माहौल खराब हो रहा है उसकी जो सरकार जिम्मेवारी है और सरकार की जो नीतियां हैं वो खराब है, जिसके कारण किसान भी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। आज आपने दो दिन पहले एक ऑर्डर निकाल दिया कि जितने भी आउटसोर्सिंग है ग्रुप सी और डी के सब बंद कर दी भर्तियां, उन बेचारों की उम्मीद में पानी फेर दिया। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो ऐसी नीतियां हैं कि जिससे माहौल देश का वो खराब हो चुका है और जो जनता है ना उसका सरकार से विश्वास टूट चुका है। तो और सरकार का विश्वास जरूरी है, जिसके कारण अगर ये कहते हैं कि बिक्री एक को होगी तो एक को ही शुरू होनी चाहिए थी। आप आयुष जी ये मानो कि किसान किस पर विश्वास करेगा और कितने दिन करेगा। जैसे हमारे प्रोग्राम बताते हैं कि हमारा धान खराब हो जाता है और वो मॉइस्चर निकल के वो वेट कम हो जाएगा तो लॉस तो किसान का हुआ ना, कॉटेज डबल होगी, वेट कम हो गया और पैसा लेट मिला। तो वो जो पैसा हमें 25 तारीख को मिला था वो हमें जाकर अक्टूबर के एंड में मिलेगा। तो एक महीने का हमारा जो अमाउंट है इंटरेस्ट और ब्याज तो लगाते हैं जो हमारे हाथ में मनी आता है जिससे हम अपना खर्चा चलाते हैं, वो हमारा एक महीना डिले हो गया और उसकी सारी जो गलती है वो सिर्फ सरकार की है। एक लेटर आ गया, अरे लेटर ही आना था तो फिर यहाँ जो कैबिनेट बढ़ा रखी है, एडवाइजर बढ़ा रखे हैं, अधिकारी बढ़ा रखे हैं, ये बड़ी बात है राजेश जी। डिले अगर हो रहा है एक दिन का भी हो रहा है तो जाहिर बात है किसान को तो उसका नुकसान हो ही रहा है। चंदेलिया जी, आयुष जी, पिछली बार भी अगर पेमेंट के अंदर एक दिन की भी देरी हुई थी जितना निश्चित समय था हमने एक एक दिन का ब्याज दिया है। सरकार की मंशा किसान का फायदा करने का है, जिस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि सरकार लेना नहीं चाहती, सरकार डिले कर रही है, सरकार ठीक है। चलिए रंजीता जी, रंजीता जी अब एक एक रिएक्शन और ले लेता हूँ मैं, चंदेलिया जी की बात को पहले सुनते हैं। चंदेलिया जी, आयुष जी, जो जनविरोधी सरकार है भाजपा जजपा की, डबल इंजन की, शर्मानी चाहिए सरकार को। किस तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों को मारने सीधू सीधू की चीखे मारते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट को किस तरीके से आपने अपने तले के नीचे दबा कर रखा, उसको गरीब व्यक्ति पर, मध्यम वर्ग व्यक्ति पर, उसको लागू करने के लिए आपने एक भी कदम नहीं उठाया। चंदेलिया जी, शर्म तो आपकी और आपकी सरकार को आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सरकार हठधर्मिता की परिधि को पार कर चुकी है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वादा खिलाफी किसान के साथ इन्होंने की है और जिस तरीके से हरियाणा को डंडे से चला रहे हैं डबल इंजन की सरकार, इनका विरोध हो रहा है, इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए, नहीं दिए गए, और जिस तरीके से इनके प्रशासनिक अधिकारी, आपने देखा पिछले कितना बड़ा बवाल करनाल में हुआ, एक अधिकारी संविधान को ताक पर रखते हुए एसडीएम स्तर का अधिकारी वो कहता है, पुलिस अधिकारियों से कहता है, पुलिस वालों से कहता है, जो मोदी खट्टर साहब की, दुष्यंत जी की जो पुलिस है उनको कहता है डंडे मारोगे, किसान को सर फोड़ोगे, तो फिर उसकी पदोन्नति की जाती है। तो जिस तरीके से प्रशासन सरकार को ये चला रहे हैं, जिस तरीके से ये किसान को मारने का, एक आम व्यक्ति को मारने का, गरीब मजदूर को मारने का, कर्मचारी को मारने का, मजदूर को मारने का, पढ़े लिखे युवाओं को मारने का जो काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी और चंद जो इनके पूंजीपति जो दोस्त हैं उनको बढ़ावा देने का मोदी जी की सरकार, चंदेलिया जी, अडानी अंबानी के साथ सबसे पहले शुरुआत किसने की थी उसको उजागर कीजिए, झूठ बोलने की एक सीमा तय। चलिए ठीक है, अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, रजनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं अमनदीप केसरी जी के पास आता हूँ, ठीक है। चलिए चंदेलिया, चंदेलिया ठीक है, चलिए इसका फैसला सब लोग जनता पे छोड़े। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी जी, आयुष जी, जनता ने एलनाबाद में भी जनता सबक सिखाएगी। आयुष जी, भाजपा प्रवक्ता की अगर सारी बातों को सच मान लिया जाए तो उससे ये निकल कर सामने आता है कि एक तो सरकार में अनुभवहीन लोग बैठे हैं और लोगों, सरकार का जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है, बेशक वो एक ही पार्टी से एक ही दल से हैं लेकिन आपस में समन्वय बिल्कुल भी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। रंजीता जी कह रही हैं जैसे कि आम चर्चा लोगों के अंदर है कि खट्टर साहब जी की भी आम लोगों की तरह गुहार लगा रहे हैं कि ये क्या चिट्ठी दे दी है, और उसके बाद मंत्री और जी आर धनखड़ जी हैं या हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं वो केवल बयान देने के लिए हैं, उनको अपने मंत्रालय का काम ही नहीं पता। जिस तरह से एक चर्चा सरकार की आती है कि ये जो सरकार है जो प्रशासन चला रहा है और जनता के चुने हुए नुमाइंदे उनकी केवल डील हुई है पैसे खाने की,
वो तो केवल अपने पैसे का इंतजाम करते हैं, उनको अपने मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि कल को क्या हो जाएगा। एकदम से एक केंद्र की चिट्ठी आती है एटम बम की तरह, जबकि कृषि जो मामला है, कृषि की खरीद का मामला है, वो प्रदेश सरकार का है, लेकिन प्रदेश सरकार को खुद नहीं पता कि अगले पल क्या होने जा रहा है। प्रदेश सरकार पर एकदम चिट्ठी आती है और प्रदेश सरकार वैसे ही करती है। ये किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, ये लोगों को आज समझ आ चुका है, लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात, मेरी बहन जी ने खुद ही कबूल लिया कि एलनाबाद का चुनाव की वजह से बाजरा वाले किसानों को हमने भावंतर भरपाई में डाल दिया, जबकि ये चीख चीख के कह रहे थे एमएसपी रहेगा, एमएसपी कहीं नहीं गया, और बार बार कह रहे थे बाजरे गए के दाना एमएसपी पे खरीदेंगे, और जब खरीदने की बात आई तो भाग गए वहां से। तो ये किसानों को पहले बताना चाहिए, हम बाजरा आपको भावंतर भरपाई में खरीदेंगे या एमएसपी में खरीदेंगे। तीसरी बड़ी बात, मेरी बहन जी कह रही है कि भाई जो बासमती वाला किसान है, बासमती वाला किसान हमारे प्रदेश में ज्यादा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। हमारे प्रदेश के अंदर बासमती से ज्यादा परमल धान को बोया जाता है, परमल धान का किसान हमारे प्रदेश में ज्यादा है, और बासमती वाले का अगर धान बिक रहा है उसमें कोई सरकारी खरीद नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या एहसान है उस किसान के ऊपर? कोई सरकारी खरीद नहीं है बासमती की, उसको ओपन मार्केट में खुद बेचना पड़ता है। सरकारी जो खरीद होती है वो परमल धान की है, और वो बार बार किसान आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं कि सरकार ने कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया। हमें बोला कि 15 जून को धान लगाएं और 15 सितंबर तक हमारी फसल तैयार है, अब कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को खरीदेंगे। ये इससे साफ पता चलता है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडिया वहाँ है। तो आयुष जी, एक साल से जो किसान आंदोलनरत है और जो बार बार कह रहे हैं, वो सारी बातें निकल कर सामने आ रही है, सरकार का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। ठीक है, चलिए रजनीश जी, ठीक है रंजीता जी, एक मिनट, रजनीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात को भी ऐड करता हूँ, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है रजनीश जी, रजनीश जी, मैं रंजीता जी की दो बातों को जवाब देना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने बोला कि जो फसल लेट हुई थी, जिसकी पेमेंट लेट हुई थी, किसानों को उसका ब्याज दिया गया। ये मेरे को ये एक किसान का नाम बता दे जिसका किसी ने ब्याज दिया हो। उल्टा पिछले 2020 में सरकार ने आरतियों की आड़त में से ब्याज काट लिया था कि हम किसानों को देंगे। 1.5 साल हो गए साहब, वो ब्याज आज तक ना तो किसानों को दिया गया और ना आरतियों को वापस दिया गया। 1.5 साल लॉस भी काटा आरतियों का। और जो ये रंजीता जी ये बोल रही है कि ऊपर से लेटर आई है, ये हम साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं पिछले कणक में लेटर आई थी, हमें आड़त कम दी गई है आड़तियों को 3.5 रुपए पर क्विंटल। आज तक समाधान वो नहीं हुआ सरकार से हमारा, तो आगे इसका समाधान कैसे हो जाएगा? और लेटर जब आती है तो सीएम साहब को तुरंत उसको एक्शन लेना चाहिए। अभी आज तक कोई एक्शन आया उनका? अभी हमने कोई एक्शन लिया है? चलिए रंजीता जी जवाब दें। देखिए ताज्जुब की बात देखिए कि उनके मुंह से ये बातें सुनने को मिलती हैं, जिनकी सरकारों के अंदर किसानों को ना केवल गोलियां मारी जाती थी, अगर किसी की कुछ चीज पसंद आ जाए तो आगे जिनके पूर्वज आज भी जेलें काट रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले के अंदर। अरे मेरी बहन जी, विधायक होने के बाद मेरी बहन जी, किसान नेताओं ने क्लियर कर दिया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ जिस चीज का उल्लेख आप कर रहे हैं। अपने किसी कार्यकर्ता किसान नेताओं ने करनाल में साफ साफ कर दिया। आप अपना स्टंट जारी करने के लिए आपने अपने लोकल टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। और जितेंद्र चंदेलिया जी भी बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, इनसे ये पूछिए कि इन्होंने ही कहा था कि पहली जमात से किसान जो है वो दूसरी जमात में ना जाए। आज हर चीज का बेस्ट रेट मिल रहा है, आज 1100, 1100, 1100, 1500 फसल का बंपर प्राइस उनको मिल रहा है। आज एक एक दाना सरकार खरीद रही है, उसके बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है जो ये कह रहे हैं। आज 1960 रुपए का एमआरपी है सर, जो एमएसपी है वो 1960 रुपए है, जो ग्रेड ए का है, और जो दूसरा मोटा परमल है उसको 1940 है। और हमारी कोशिश ये दाना जो है फायदा किसानों को हो, और एक भी दाना नहीं बनेगा उनके घर में, इस बात की मैं आपको गारंटी करती हूँ। और आप जिस तरीके से बार बार भ्रमित करते हैं, चाहे वो गन्ना हो चाहे वो धान हो, एक एक चीज जो है जो वो सरकार जो है वो खरीदने का काम करेगी, और हर चीज की सुविधा जो है वहाँ पर दी जा रही है। और जो बेलन की तरह कालाबाजारियां होती थी, आरती क्या कहते थे वो बार बार में पड़ते थे,
अपने राज्यों से बाद में बिकवाते थे, पड़ोसी राज्यों से लाकर पहले बिकवाते थे, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कैपिंग की गई है। और निश्चित तौर पे एक नहीं, लेकिन रंजीता जी जो भरोसा है उसको लेकर के सवाल चुकी यहाँ पर, क्रेडिबिलिटी को लेकर के उठ जा रहा ना, क्योंकि पहले आपने कहा 25, उसके बाद वो बढ़कर एक हुआ, अब एक को भी हुई नहीं, आप कह रहे हैं 11, अब उसके बीच में जो समय बीत रहा है उसमें किसानों की समस्या यह है कि वो कैसे भरोसा करें कि अभी 11 को भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और उस बीच में नुकसान जो होगा उसको कौन जिम्मेदार होगा, ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये चिट्ठी सरकार की और सेंटर की तरफ से आई है और तुरंत हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बात की है कि इस डेट को प्रीपोन किया जाए, 11 तारीख बहुत लेट है, ये हम भी मानते हैं। और निश्चित तौर पे जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है कि 3 अक्टूबर से हम इसकी खरीद शुरुआत करवा दें। आज 7.5 लाख जो टोटल किसान है उन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यूरो में अपने आप को रजिस्टर करवाया है, और एक एक दाना जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर हमने बकायदा सिस्टम से खरीदा, उसी तरीके से पूरे सिस्टम के साथ एक एक चीज खरीदी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज हलफनामा मोनिका अरोड़ा जी ने जो याचिका लगाई थी उसको लेकर हमारे विजयवर्धन जो हमारे सीएस हैं बकायदा लिखित रूप में दिया कि उन्होंने बकायदा किसान मोर्चा वालों को बुलाया बातचीत करने के लिए, उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं आया। इससे साफ नजर आ रहा है, साफ मंशा नजर आ रही है कि इस आंदोलन को इनका खींचना ही मकसद है और सिर्फ राजनीति करना मकसद है। जब एक तरफ की सड़क खोली जा सकती है और लोगों की जो आवाजाही की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है, पर उसको ये सॉल्व करने नहीं देना चाहती। रजनीश जी अभी भी तो यही कह रही है ना, रंजीता जी बार बार इस बात को कह रही है कि ऐसा कहां कह दिया कि हम 11 को ही करेंगे, आप लोगों की सहूलियत के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं। सर हम तो ये कहते हैं जब 1 तारीख को आज से पता नहीं कितने सालों से 1 तारीख से शुरू हो रही थी, तो 1 तारीख को जिन्होंने डेट दी थी पहले 25 दी थी फिर 1 दी थी, तो 1 तो क्यों नहीं हुई, हम तो ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 11 को नहीं करेंगे उससे पहले नहीं करेंगे, तो इसको पोस्टपोन क्यों किया डेट को, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि किसानों की फसल पड़ी है एक हफ्ते से यहाँ मंडियों में और वो बिक नहीं रही और वो खराब हो रही है यहाँ पर, उसको उल्टा पलटा भी कर रहे हैं हम, लेकिन उसको कब तक बचा के रखेंगे हम। हम तो ये कह रहे हैं जो भी आगे डिले हो रही है क्यों हो रही है, वो मोटी सी बात सिर्फ ये है। जितेंद्र चंदेलिया जी, आप लोगों के ऊपर तो आरोप केवल सत्ता पक्ष का ये है कि आप लोगों को तो हर विषय पर सिर्फ और सिर्फ आपको मौका मिल गया कि आपको राजनीति करनी है, इसलिए अब ये मौका अच्छा है किसानों को लेकर के उनको बरगलाइए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है आयु जी, कबीर साहब को ज्ञान सिद्धि थी, वो एक जगह कहते हैं कि सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाभूल है। इनके आरएसएस से, इनकी डबल इंजन की सरकार से, इनके नरेंद्र मोदी जी से, ना तो हमारे नेता राहुल गांधी जी डरते, ना कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरता, डंके की चोट पे किसान मजदूर के साथ पहले भी थे। चंदेलिया जी, डरने की बात तो दूर, आपका पप्पू कभी पास नहीं हो सकता, ये पूरी देश की जनता जानती है, उसके ऊपर मोहर बार बार पप्पू जी खुद ही लगाते हैं जिस तरीके के वो फैसले करते हैं। आज बहुत बड़ा एग्जांपल पंजाब के अंदर है, जिस तरीके से वहाँ पर आप म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं सरकार के साथ, आपका पप्पू कभी भी पास नहीं हो सकता, ये जनता जनार्दन ने मोहर लगा दी है। किसान विरोधी इनकी मंशा है, किसान मजदूर को मारना चाहते हैं, आरती को मारना चाहते हैं, गरीब को मारना चाहते हैं। पंजाब में आप मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। राजस्थान में आप मार रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें जो बैठ कर हरियाणा के चैनल पे आप कर रहे हैं, पंजाब और राजस्थान के किसान इस तरीके से आप अपनी सरकारों ने मारा हुआ है, ये जनता जनार्दन मांग की साक्षी है। जिस तरीके से पंजाब के किसान को परेशान करके, होने वाले किसान को परेशान करके हरियाणा के बॉर्डर पे भेजा जाता है, ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो, आपकी फसल का चेहरा और चरित्र संविधान और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, जैसे बड़ौदा में सच्चाई की जीत हुई, किसान मजदूर की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, एलानाबाद में भी किसान मजदूर की जीत होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है आयु जी कि जिस तरीके का अत्याचार अरे चंदेलिया जी, आपके पास तो अपना कैंडिडेट नहीं होता, वो भी आप बिहार से दूसरी पार्टियों से मांगते हैं, इनको आप फैसला तो कर लीजिए कि कैंडिडेट गुप्ता का होगा कि श्याम जी का होगा, वो कांग्रेस का होगा या संदीप सुरजेवाला का होगा, वो राहुल का होगा या सिंधिया का होगा, आप इस बात पर फैसला कर लीजिए। आपकी अंतरक्रिया इतनी जबरदस्त है कि आप कैंडिडेट का भी फैसला नहीं कर सकते, आपको उसके लिए भी बिहार के कैंडिडेट चाहिए और दूसरी पार्टियों से इन्विटेशन लेकर बुलाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आज भी बढ़े हैं। ठीक है, चलिए अमनदीप केसरी जी रंजीता जी, बार बार आप लोगों को लेकर के सवाल उठाते हैं कि भाई एक तो किसानों के हित की बात इनेलो कैसे करेगी, इनेलो के ऊपर तो बड़े गंभीर सवाल उठा दिए जाते हैं। अमनदीप जी, मैं चाह रहा हूँ जवाब दें। मैं आपके माध्यम से बता दूं बहन रंजीता मेहता जी को कि करनाल के अंदर अभी जो घटना हुई थी, जो किसान की मृत्यु हुई थी, तो किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था, जो आरोप बहन रंजीता मेहता लगा रही है कि इस सरकार का कोई भी कांड इनेलो की सरकार में नहीं हुआ,
और कोई भी मनदीप जी दिल को बहलाने के लिए रिकॉर्ड किसान नेताओं का बयान है, ये कोई मैं रंजीता मेहता जी की तरह झूठ नहीं बोल देता कि किसानों की सहूलियत के लिए ये तारीखें बना रहे हैं, जबकि किसान सड़कों पर परेशान है, मंडियों में परेशान बैठा हुआ है। इनसे देखिए, इनका झूठ बोलने का भी एक विजन है, ये झूठ बोलती है तो वो भी एक विजन के साथ बोलती है, पर जो हमारे जैसे हमारे लिए सवाल है की बात है, आज डेटा आपने रखी किसानों के ऊपर, आज डेटा आपने रखी चलिए अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों के बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि दोनों ही बड़े विषय हैं, एक तो ये कि अब धान खरीद को लेकर के सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि किसान विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या कृषि कानून को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी कोई समाधान का रास्ता बनता है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।